बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ की मुझे जो तकलीफ़ महसूस होती थी ना बहैसियत माँ, वो ये होती थी कि ये अकेला कैसे सरवाइव करेगा। मैं अपने और बच्चों को देखती थी तो मैं कहती थी ये मेरा बच्चा भी अपने पैरों पे खुद खड़ा हो, मुझ पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो और बच्चों के भी और अपने बहन भाइयों पे भी डिपेंड ना करे। डॉक्टर से हमें बताया कि मतलब ये पाँव की तरफ से भी माजूर है, इसके घुटने भी अंदर की तरफ थे। अब्दुल बसीर का जब ब्लड टेस्ट हुआ था तो उस वक्त ये क्लियर हो गया था कि ये डाउन सिंड्रोम है। तो हम सोचते थे कि हम इसको स्कूल भेजें लेकिन कैसे भेजें ये समझ नहीं आ रही। फिर आर्मी एजुकेशन की तरफ हम आए और हमें नॉलेज हुआ कि इनका पूरा एक सेटअप है पाकिस्तान। हमें बड़ी होप हुई कि इस इदारे में आने के बाद हमारे बच्चे में जो कोई खामी या कमी रह गई है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। जिंदगी की राहें तो सबके लिए एक जैसी हुआ करती हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जरा मुनफरिद होते हैं। ये अपनी राहें चुनते नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद बनाते। कौन सा कलर है ये? ब्लू। वेरी गुड। पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन की मौजूदा सूरत हाल में जो मेन पॉइंट जो सामने आता है वो है अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी। तो हमारे माशरे में गो के माशरा जो है वो बहुत सिंपथी रखता है, चैरिटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल रीच आउट करते हैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, लेकिन एज अ कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी जो है तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की अवेयरनेस कम है। FGI डायरेक्टेड बुनियादी तौर पर दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को लुक आफ्टर कर रहा है। पहला कंपोनेंट FGIs हैं, FGI से मुराद है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मेरे जो FGI डायरेक्टेड इसको लुक आफ्टर कर रहा है वो है स्पेशल एजुकेशन इन आर्मी। हमारे पास 25 इदारे हैं जिनका तल्लक मुख्तलिफ जगहों से है और इसमें तकरीबन 4,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और 20% का तल्लक जो है वो आर्म फोर्सेस से है और 80% फ्राम प्राइवेट सेक्टर। हमारी कोशिश ये होती है कि उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। जब बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं तो उनका एक क्राइटेरिया होता है, पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट होती है और उस असेसमेंट के अंदर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और स्पेशल एजुकेटर है। ये एक कम्प्लीट टीम है जो उस बच्चे की असेसमेंट करता है। हमारे पास डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, आर्टिस्टिक बच्चे हैं, आर्टिज्म के बच्चे हैं हमारे पास, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं हमारे पास। मल्टीपल इश्यूज को एट ए टाइम यहाँ पर हम स्कूल में अंडर वन शेड एड्रेस किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम में हम बच्चे को अटेंशन स्पैन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराते हैं। सेकेंडली हम उसके जो है वो सिटिंग टॉलरेंस के ऊपर काम करते हैं और थर्ड जो मेन हम काम कर रहे हैं वो ADLs के ऊपर कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें बच्चे की जो है वो ख़ुद से कपड़े पहनना, स्पून या फोक को होल्ड करना, ग्लास को पकड़ना। कुछ बच्चे जिनमें स्पीच की प्रॉब्लम होती है उनको स्पीच म्यूज़िक के ज़रिए उनकी स्पीच थेरेपी की जाती है। कुछ बच्चे CP होते हैं जिनके उंगलियां भी शायद टेढ़ी हो सकती हैं और उनको फिर कीबोर्ड पर बजा कर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जब रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उसमें
25% एफर्ट जो है वो टीचर की होती है, 75% एफर्ट बच्चे की होती है, लेकिन हमारी फील्ड में आके टीचर की एफर्ट 75-80% होती है और बच्चे की जो है वो 20% हो जाती है। तमाम सहूलियात को देखते मद्देनजर रखते हुए फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ते हैं, उनमें हमारे पास पेरेंटिंग के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो 10 साल की उम्र में यहाँ पे आ जाते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, उनको कोई अर्ली इंटरवेंशन नहीं दी गई होती, उनकी कोई प्रायर स्कूलिंग नहीं होती, तो उनका लर्निंग जो बहुत डिस्टर्ब होता है। इन चैलेंजेस के बावजूद बहुत सारे हमारे बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं यहाँ से और वो मेन स्ट्रीमिंग में गए हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ से प्राइमरी लेवल के ग्रेड्स पास करने के बाद हायर सेकेंडरी लेवल पर नॉर्मल स्कूल्स में भी गए हैं, और कुछ बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद अपने जॉब्स भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में भी अपना उन्होंने कदम जमाए हुए हैं। मैंने आर्मी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बहावलपुर से 5th क्लास में बोर्ड के एग्जाम दिए थे, जिसमें मैंने पूरी बहावलपुर डिवीजन में टॉप किया था। जब मैं यहाँ पर मेरा एडमिशन नहीं हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें थी कि यार कैसे होगा, कैसे सब कुछ मैं मैनेज करूँगी। पहले नहीं आते थे यहाँ पे, लिखना सीखा है मैंने, रीडिंग करना नहीं आता था, रीडिंग करना सीख लिया है मैंने। पायल टीचर तक पहुँचाना, बच्चों को रास्ते तक ले जाना, डैंजर्स लिखवाना। स्टूडेंट था, फिर मैंने ग्रेजुएट करके फिजियोथेरेपी असिस्टेंट यहाँ पे हूँ। स्कूल ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को ग्रो किया, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। और मुझे कंप्यूटर के बारे में जैसे पता चला तो मैंने बाकियों को भी जाके बताया कि हाँ यार हमारे लिए भी ऐसे कंप्यूटर्स हैं, हमारे स्कूल में हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर्स के अंदर जिसके थ्रू हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने बोला कि आदमी जाना है, फौजी बनना है, फौजी बहादुर है, सबके काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के इदारे जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, बहुत एक नोबल किस्म का, एक बहुत सदका जारिया किस्म का काम, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ कि जहाँ मेरा बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है स्पोर्ट के जरिए और डेली बेसिस पे। इससे ना सिर्फ अब्दुल बसीर की जिंदगी को मैं तब्दीली लाई बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी तब्दीली ले। हर इंसान, हर टीचर स्पेशल बच्चों को गाइड नहीं कर सकते, मतलब हम तो कहते हैं एक नॉर्मल इंसान के साथ अच्छा वक्त गुजरता है, लेकिन जो स्पेशल बच्चों के साथ टाइम गुजारती हैं अल्लाह पाक उनसे भी राजी होता है। जब एक बच्चा थोड़ा सा इंप्रूव करता है, ग्रो करता है, सारे आकर मुझे बताते हैं सर उसने ही स्टार्टेड वॉकिंग, सर ही स्टार्टेड टॉकिंग, तो हमारी सबकी फीलिंग ऐसी है कि वो फील एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है आप, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। मेरे जहन में आर्मी स्पेशल स्कूल्स और सिस्टम का वे फॉरवर्ड ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि हर अच्छी चीज़ जो है ना इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जहाँ पर अगर हम जज्बे को सही तरीके से फोकस कर दें तो वी कैन एक्सपोर्ट इट। इंक्लूसिव एजुकेशन में तसव्वुर ये है कि जो बच्चे इस काबिल हैं कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन ले सकते हैं तो हम उनको इंटीग्रेट करेंगे ताकि उनके अंदर एक इंक्लूसिवनेस बढ़े,
और एक्सेप्टेंस ऑफ दी चिल्ड्रन बाय नॉर्मल चिल्ड्रन दैट शुड बी प्रायोरिटी. ये हमारा अगला इनिशिएटिव है जिसके तरफ हम जा रहे हैं. स्पेशल एजुकेशन के जो फारग तहसील तलबा हैं उन्होंने अभी तक, मैं ये बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि अपना लोहा तकरीबन हर फील्ड में बनवाया. मैं उनको देखा है कि वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी आए, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में भी आए. दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं या दे विच आर स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट. आई कैन सी देम राइजिंग, आई कैन सी देम फ्लाइंग वेरी हाई, आई कैन सी देम बिकमिंग द इफेक्टिव सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. ये आर्मी स्कूल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन की अनथक काविशों का नतीजा ही तो है कि आज न जाने कितने बच्चे एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे. आर्मी स्कूल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन नाम है इन तमाम बच्चों की उम्मीद का जो अपनी राहें चुनते नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद बनाते.